बेसिकली होता क्या है, जब हमारे शॉपिफाई में हमारे बहुत सारे फुटर मेन्यूज हो जाते हैं तो हमारे फोन व्यू में ये पूरा मतलब एक्सपेंड होता है, जिसके कारण जो फोन व्यू होता है वो खराब हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस टाइप का दिखता है जो बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, और अगर आप 5-6 मेन्यू ऐसे ऐड करोगे तो उनके अंदर ये बहुत ही लंबा हो जाता है, जिससे पेज का साइज बढ़ जाता है। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हम कोलैप्स मेन्यू बनाते हैं, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है कुछ ये कुछ इस तरह से है। डेस्कटॉप में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला आपका, इसलिए जैसे ही आप फोन व्यू में आओगे आपका ये जो है कोलैप्स हो जाएगा एंड इसके क्लिक पे ये ओपन होगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल, एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम शॉपिफाई के डॉन थीम में रिस्पॉन्सिव टॉगल फुटर बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो अगर हम इसे फ़ोन में ओपन करते हैं तो ये इसके क्लिक करने पर एक्सपेंड होगा, देन इसके क्लिक करने पर ये हाइड हो जाएगा। तो ये जो है शॉपिफाई में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, बाय डिफ़ॉल्ट आपको शॉपिफाई में जो है ये नहीं मिलता। सो कैसे ही शॉपिफाई में हम बनाएंगे, आज उसी के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू थीम को ऐड कर लिया है, एंड चलिए इसका प्रीव्यू करते हैं, देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा किस तरह से कोड वर्क करता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है, बट हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम इस पर क्लिक करें तो ये जो इसके चिल्ड्रंस यानी कि लिस्ट आइटम है एक्सपेंड हो, अदरवाइज ये कोलैप्स रहे, और ये हम डेस्कटॉप में नहीं बल्कि फ़ोन में चाहते हैं। ओके, तो फोन में बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका इंटरफेस है कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि इसके क्लिक पे ये एक्सपेंड हो, वापस क्लिक पे ये बंद हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको इस पे इसके एलिमेंट पे जाना है, एंड इसकी क्लास का नाम देख लेना है, फॉर ब्लॉक हेडिंग ये इसकी क्लास का नाम है। एंड सेकंड थिंग, इसके चाइल्ड चाइल्ड जो एलिमेंट है इनके क्लासेस को देख लेना कि इनका जो पेरेंट क्लास है वो कौन सा है। तो ये फॉर डिटेल्स, फॉर ब्लॉक डिटेल्स कंटेंट, ये लिस्ट अनस्टाइल्ड है जो इसका क्लास है, ठीक है। तो सो हम इस एलिमेंट को फुटर में सबसे पहले ढूंढेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम हेडिंग को ढूंढते हैं, पहले ऑनलाइन स्टोर में एंड एडिट कोड करेंगे। एंड इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे फुटर सर्च करना है। ओके, जैसे हम फुटर यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें फुटर डॉट लिक्विड मिलेगा, इसको ओपन करना है। जस्ट इसे ओपन करने के बाद ही हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को, हेडिंग वाले एलिमेंट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे फाइंड करेंगे एंड देखेंगे वो एलिमेंट कहाँ है। सो ये हमें ये एलिमेंट मिल चुका है, ठीक है, ये हेडिंग वाला एलिमेंट है, एंड जस्ट इसके नीचे हमें हमारा दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। सो हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो ये हमें मिल गया हेडिंग वाला एलिमेंट जहाँ पे हेडिंग रेंडर हो रहा है, एंड यहाँ पर एक फोर लूप चल रहा होगा। सिंपल इस फोर लूप के ऊपर आपको एक कोड डालना है जो कि जे क्वेरी का है, ठीक है। जे क्वेरी का सबसे पहले आपको सी डी एन डालना होगा, तो सिंपल आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं सी डी एन जे क्वेरी, ठीक है। एंड यहाँ पर जो भी सी डी एन आएगा उसे आप कॉपी कर लेना, ये अनकंप्रेस है, इसे कॉपी करना है, एंड आपको यहाँ पर सबसे टॉप पे इंक्लूड करना है कुछ इस तरह से, और इसे सेव कर देना है। ओके, सेव करने के बाद आपको आना यहाँ पे, ये देख रहे हो 73 नंबर है, ब्लॉक इन सेक्शन जहाँ पे ब्लॉक रेंडर हो रहे हैं, एंड यहाँ पे आपको एक कोड डालना है, और ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो ये पूरा स्क्रिप्ट का कोड है, इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप डॉन थीम में काम कर रहे हो तो बाई डिफ़ॉल्ट आपका ये वर्क करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, एंड सेव करने के बाद क्या करूँगा, इसे रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोलैप्स हो गया, एंड इसके क्लिक पे देखो ये ओपन हो रहा है एंड ये बंद हो रहा है, ठीक है। मैं आपको इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, 75। ये देखिए तीन लिंक थे हमारे पास, मेन हेडिंग पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तब ये ओपन हो रहा है, एंड अगेन मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बंद हो जा रहा है। तो ये वर्क कर रहा है हमारा, तो अगर आप डॉन पे है तो सिंपल आपका वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर किसी और थीम पे है तो आपको क्या करना है, इस क्लास को फाइंड करना है, ये जो क्लास है ना आपको इसे फाइंड करना है, ये हेडिंग की क्लास और ये इसके अंदर जो डिटेल है उसकी क्लास, ठीक है, इन दोनों को आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे जो हेडिंग की क्लास है उसके हेडिंग में डाल देना है, और चाइल्ड एलिमेंट की जो क्लास है उसके चाइल्ड एलिमेंट में डाल देना है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे हमें प्लस माइनस का आइकन भी दिखाना है। तो उसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट एक आइकन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो मेन्यू होगा वो एक्सपेंड नहीं होगा, तो वहाँ प्लस का साइन आना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा मेन हेडिंग है, ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग या स्पैन ले लेंगे। ओके, स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग होता है, एंड इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं, एंड इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट प्लस का ले लेंगे, एंड इसको एक क्लास दे देंगे, अंडरस्कोर आइकन, ठीक है। आप सेम यही करना, क्योंकि अगर आप डॉन पे हो तो आप सेम यही करना, तब आपको प्रॉपर ये वर्क करेगा, कोई इशू नहीं होगा। जैसे हम नीचे जाएंगे यहाँ पर प्लस का आइकन भी आ जाएगा, एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये कोलैप्स होगा और ये माइनस में चेंज हो जाएगा। आप थोड़ा कोड को समझ लेते हैं हमने किया गया, ठीक है। सबसे पहले हमने जे क्वेरी का सी डी एन डाला है, एंड उसके बाद एक
सबसे पहले हमने इज एक्सपेंड मतलब क्या हमारा जो फुटर है वो एक्सपेंड है उसको हमने फॉल्स सेट कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपली जो आइकन प्लस माइनस में चेंज हो रहा है उसके लिए, सेकंड थिंग हमने क्या करा है जो आइकन है बाय डिफॉल्ट उसको हाइड कर दिया, क्योंकि ये काम हम सिर्फ फोन में करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले हमने चेक किया अगर विंडो का विड्थ लेस देन 600 है देन इसके डिटेल्स को हाइड कर दो। जैसे ही फोन व्यू में जाएगा ये क्या करेगा, इसके जो डिटेल्स आइटम है यानी कि चिल्ड्रन आइटम है उसको हाइड कर देगा, और ये जो आइकन है प्लस माइनस वाला जो भी उसे शो कर देगा, ठीक है। फुटर के हेडिंग पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा जो कि चेक करेगा कि विंडो का साइज कितना है। सबसे पहले चेक करेगा अगर ये फोन व्यू में होगा तो इज एक्सपेंड को ये ट्रू से सॉरी इज एक्सपेंड को ये फॉल्स से ट्रू सेट कर देगा, और यहाँ पर हमने कंडीशन डाल रखा है कि अगर इज एक्सपेंड ट्रू हो तो उस पर माइनस डाल दो अदरवाइज प्लस डाल दो। और हमने इसी के चिल्ड्रन में आइकन जो हमने भी क्लास डाला था उसकी हम उसमें उसमें हमने इनर एचटीएमएल करवा लिया, एंड इसी के चाइल्ड एलिमेंट के अंदर जो उसका चिल्ड्रन आइकन है उसमें हमने उसके टेक्स्ट में हमने इसे अपेंड कर दिया आइकन को। तो आइकन जब भी ट्रू होगा उसमें माइनस दिखेगा अदरवाइज प्लस दिखेगा, ठीक है। तो ट्रू कब होगा जब वो क्लिक होगा, और क्लिक होगा तो माइनस अपेंड हो जाएगा उसमें, एंड जैसे उस पर कोई अगेन क्लिक करेगा तो फॉल्स हो जाएगा, और जब फॉल्स होगा तो उसमें प्लस अपेंड हो जाएगा, ओके। एंड देन जो हमारा हेडिंग है उसके सिबलिंग्स में जो फुटर ब्लॉक डिटेल कंटेंट है ना उसको स्लाइड करके हमने टॉगल कर दिया, यानी कि स्लाइड इफेक्ट के साथ वो टॉगल होगा, अगर वो ओपन है तो क्लोज हो जाएगा, क्लोज है तो ओपन हो जाएगा। सो इस तरह से जो कोड है वर्क कर रहा है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा जो मेन ध्यान रखना है आपको इसके फुटर के जो हेडिंग है उसके क्लास पे ध्यान रखना है, उसके जो चिल्ड्रन आइटम्स है यानी कि जो चाइल्ड आइटम है चाइल्ड एलिमेंट है उस पर ध्यान रखना है, ओके। सो ये थी आज की वीडियो, अगर इस वीडियो में आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट में करके कमेंट जरूर करना, बाकी जो इसका कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास कोई और थीम है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं सेम कोड को, बट आपको बस क्लास का ध्यान रखना है जो आपके फुटर की हेडिंग है और जो उसके चाइल्ड एलिमेंट है उनके क्लास का ध्यान रखना है, आपको यहाँ से रिप्लेस करना है उनके क्लासेस को देख के। सो आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।